एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज टीम का कारवां आगे बढ़ते हुए जिला मथुरा पहुंचा, जहां पर गांव की स्थितियां कैमरे में कैद की गईं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। मैं गंगाधर वर्मा, ग्राम पंचायत थोक ज्ञान का प्रधान हूँ, विकास खंड राय, जनपद मथुरा। मैंने गाँव में 5 खरंजे इंटरलॉक कराए हैं, नालियाँ बनवाई हैं और शौचालय बनवाए। मेरा गांव ODF घोषित हो चुका है और इस समय हमें एक तो सफाई कर्मी की आवश्यकता है, दूसरे हमारे यहाँ कूड़ा डालने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, उसके लिए दूसरे गंदा पानी के निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए नाली जहाँ तक तालाब तक पानी पहुँच जाए वहाँ तक के लिए नाली बनवानी है, इसके लिए थोड़ा स्थान की कमी है, वो व्यवस्था होनी चाहिए हमारे साथ। और कुछ व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जिन्हें पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है, उनके फार्म भी भेजे जा चुके हैं लेकिन कोई पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है, 2 वर्ष से फार्म जमा किए जा चुके हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल पाई है। और पंचायत घर भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है, यही हमारी और मांगे ये है कि हमें कम से कम 5 हैंडपम्प मिलने चाहिए पानी की, चूँकि क्षेत्र में हमारे में खारी पानी है। दूसरे पेयजल सप्लाई जो पानी टंकी के द्वारा किया जा रहा है वो 1991 से सप्लाई हो रहा है और उसकी पाइपलाइन जमीन के नीचे 7 फीट गहराई तक चली गई है और जहाँ से वो बस्ट हो गई है वहाँ उसकी रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है कि पुरानी जो टंकी है पानी तो देती है लेकिन जो नए क्षेत्र बसे हैं उन क्षेत्रों में पानी नहीं है, लिहाजा पानी की पाइपलाइन नए सिरे से उस ऊंचाई पर बिछाई जाए और उन क्षेत्रों में भी बिछाई जाए जहाँ आसानी से पानी पहुँच सके। भेज दी गई शासन को, जो वास्तव में गरीब हैं हम ये चाहते हैं कि उनके लिए आवास उपलब्ध होने चाहिए, जो वास्तव में इसके पात्र हैं ये है हमारा।